तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और झारखंड में चौथे चरण में मतदान होंगे। इससे पूर्व इंडिया और एनडीए अपने अपने तैयारी में जुट गई है और इंडिया द्वारा उलगुलान रैली का आयोजन हुआ, वहीं भाजपा द्वारा स्टार प्रचारकों को बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि उलगुलान रैली पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है और भाजपा और एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया की ओर से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, झारखंड में चौथा चरण में मतदान होने को है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से एनडीए वर्सेस इंडिया सामने उभर कर आ रही है। इंडिया की ओर से उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था और अब भाजपा की ओर से भी स्टार प्रचारकों को बुलाया जा रहा है। आज राजनाथ सिंह का भी आगमन होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी। सर, उलगुलान रैली का आयोजन किया जाता है इंडिया गुट के द्वारा और दावा किया जा रहा है कि अब की बार भाजपा को ताड़ी पार कर देंगे, इस दावे को कैसे देख रहे हैं आप? कुर्सियां चल रही है, माथे फूट रहे हैं, सिर फुटबल है, उनके बड़े नेता बीमारी का बहाना बना करके रैलियों में भाग नहीं ले रहे हैं, ये साफ दिखलाता है उनमें हताशा है, उनमें निराशा है। और ये जो भी वक्तव्य निकल रहा है उनकी कुंठा से निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं आगत हार को, और ऐसा हार जो भूतों ने भविष्यति। इस बार जनता 400 के पार सीटें जीता करके प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधान सेवक बनाना चाहती है, इस लिहाज से झारखंड में भी 14 सीटें वो हार रहे हैं और निश्चित हार को देख करके इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। उनकी यह रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही और जो उलगुलान जैसे पवित्र सत्य का इस्तेमाल अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के उस पवित्र भाव को जहां कलंकित करने का काम किया था, उसका नतीजा भी आपने देखा, उलगुलान लहू लुहान में बदल गया। भाजपा के द्वारा स्टार प्रचारकों को बुलाया जा रहा है, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, कितना इम्पैक्टफुल करेगा? क्योंकि लगातार झारखंड के जनता को भी मांग थी कि भाजपा के द्वारा बड़े नेता बुलाए जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी कब आ रहे हैं यह भी उत्सुकता है झारखंड के जनता को। अभी तो बस चुनाव का नामांकन शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है और नामांकन के लिए आज आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता है हम सबके राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है और खूंटी में श्रीमान अर्जुन मुंडा जी के नामांकन में शामिल होंगे। हमारे पास तो नेता ही हैं, हमारे पास वक्ता भी है, कार्यकर्ता भी है, हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास संकल्प भी है, लक्ष्य भी है। विपक्ष के पास न नेता है, न नेतृत्व है, न संकल्प है, ना फिर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है, ना संगठन का कोई एक रचना है। तो कुल मिलाकर के ये परिवार का विषय है और परिवार में सब लोग एक दूसरे को जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम लोग मदद करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जाए, तो निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए, प्रधानमंत्री जाएंगे और आप सबको संबोधित करेंगे और आप में भी वो उत्साह और जोश भरेंगे जो बाकी देश के अंदर लोगों के बीच में वो जाके कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी के एक नेता संजय सिंह के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में बयान दिया जाता है कि आरएसएस और भाजपा आरक्षण के विरुद्ध है, कहीं ना कहीं ये लोगों को एजेंडा सेट किया जा रहा है कि भाजपा बस बड़े लोगों की पार्टी है और उच्च जाति की ही लिए कार्य करती है, ऐसे आरोपों को कैसे देख रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ओबीसी पिछड़े परिवार से आते हैं, ये आरक्षण का ताकत ही है कि आज देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी एक जनजातीय महिला है, एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, कई एक राज्यों में ओबीसी के हैं, मैं खुद एक दलित नेता प्रतिपक्ष हूँ, इस संविधान और आरक्षण की ताकत से ही है। कांग्रेस जो आप इतिहास देख लीजिए, उनके जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो कौन वर्ग से हुए, कौन विषय से हुए, उनको तो आरक्षण का जरूरत थोड़ी है, उन्होंने इसलिए कभी भी उन्होंने संविधान का जो है सम्मान भी नहीं किया है, चाहे वो 100 बार के करीब राष्ट्रपति शासन लागू करना हो या इमरजेंसी लागू करके संविधान की हत्या करनी हो, ये काम कांग्रेस का है, ये काम आम आदमी पार्टी और उनका साथ देने वाले आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, जो संविधान से ऊपर खुद को और खुद के दल को और खुद के परिवार को मानते हैं। इसलिए यह जो भी इनका सिगुफा है, जो इनका इच्छा है कि वे किसी तरह से जनता को बरगला दें, क्योंकि वो तो फेल हो चुके हैं 5 लाख नौकरियां का झांसा देने का, सीएनटी एसपीटी का झांसा देने का और बेरोजगारी भत्ता देने का, सबको परमानेंट करने का, चूँकि ये सारी चीज़ 1932 के आधार पर खतियान देने का, चूँकि ये सारे उनके जो झूठ थे अब जनता के सामने पर्दाफाश हो गए हैं, अब उसको छिपा नहीं सकते,
वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ इतना माहौल बना हुआ है कि उससे बचा नहीं सकते, इसलिए एक झूठा सिगुफा फेंक करके, एक झूठी बातें फेंक करके वो जाते हैं कि फिर जनता को बुलाया जाए। लेकिन देश की जनता प्रबुद्ध है, झारखंड की जनता और भी सजग है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे, मान्यताओं पे पूरा भरोसा करते हैं और उनको मालूम है कि देश सुरक्षित हाथों में है और प्रधानमंत्री जी जब तक हैं और इसके बाद भी कोई भी देश का कोई भी ताकत संविधान में ना छेड़छाड़ कर सकता है, ना इसको बदल सकता है। हाँ, अगर यदि ये सत्ता में आए तो निश्चित रूप से संविधान को बदल देंगे, निश्चित रूप से कानूनों को बदल देंगे, क्योंकि इनका पुराना इतिहास रहा है। साहबानों केस में जब अलग से डिसीजन आया था तो राजीव गांधी जी ने पूरा कानून को ही बदल दिया पर्सनल लॉ में। जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब उनके खिलाफ जब जजमेंट आया तो उन्होंने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। उसी तरह यदि इनकी सत्ता यदि कभी ये सोचते हैं आएगी तो पूरा कानून को बदल करके जो भ्रष्टाचारी या जेल के अंदर है उनको बाहर निकाल देंगे। इसलिए खतरा संविधान का इन लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, जनता समझती है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से अमर कुमार बावरी जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर बेबाकी से दिया है और कहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से झारखंड में आने वाली है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ, रांची।